सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज एक बार फिर हो गया है कार्तिक और नायरा का मिलन। मीलों की दूरियां कम हो गई है और कार्तिक नायरा एक दूजे में खो गए हैं। कभी कार्तिक नायरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी ये दोनों झूले पर झूल रहे हैं। सावन के मौसम में खूब बरस रहा है कार्तिक और नायरा का प्यार। कार्तिक के साथ अकेले इश्क फरमाने से फुर्सत मिली तो देखिए अब रिश्तों में प्यार का रंग घोल रही है नायरा। अपने ससुराल में सभी के साथ नायरा खुशी खुशी सावन मिलनी का त्योहार मना रही है, सभी के साथ नाच गा रही है और कार्तिक के चेहरे की रौनक उनके दिल की खुशी साफ बयान कर रही है। लेकिन ये खुशियाँ हैं चंद पल की, क्योंकि हकीकत ये नहीं ये है। जी हाँ, हमेशा की तरह एक बार फिर नायरा ने कार्तिक के ख्वाब में आकर हलचल मचाई है। नायरा गोवा से जयपुर के लिए निकल गई है, वहीं गोयनका हाउस में सावन मिलनी का त्योहार मनाया जा रहा है और आज वेदिका ने इस त्योहार में खुशियों के रंग घोलने की जिम्मेदारी संभाली है। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि कार्तिक ने दादी की खातिर वेदिका से शादी करने के लिए हाँ कर दी है और अब वेदिका इसी खुशी में आज जमकर झूम रही है। आज हम सब मिलके मना रहे हैं सावन मिलनी। जैसे आप सबको पता है कि सावन का ही महीना चल रहा है, सो व्हाट बेटर ओकेजन देन दिस। खुशी का मौका है और रंग में भंग ना पड़े ऐसा तो सीरियल्स की दुनिया में हो ही नहीं सकता। झूले पर बैठी वेदिका के ऊपर झूमर गिरने वाला होता है कि सही वक्त पर कार्तिक उसे बचा लेते हैं। वो यही होता है टुवर्ड्स द एंड, कुछ ऐसा होता है जिसमें कि कार्तिक आके वेदिका को बचा लेता है एंड उनके बीच में एक ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है विच इज स्लाइटली अनकंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ है कि वो दोनों इतने क्लोज आए एंड वेदिका इज रियली ऑड कि कार्तिक ने उसे हेल्प किया और उसे बचाया। एट द सेम टाइम कार्तिक इज आल्सो स्लाइटली ऑकवर्ड बिकॉज वेल, इस पूरे सेलिब्रेशन में जो खास बात है वो ये कि पहली बार वेदिका इस तरह से सजी धजी है। वेदिका ये रूप पहले तो कभी नहीं दिखा था। दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली वेदिका ही कहती है दादी से कि क्या हम लोग सावन मिलनी का त्यौहार मना सकते हैं, तो सब लोग खुश हो जाते हैं, सब लोग रेडी हो जाते हैं मनाने के लिए त्यौहार बिकॉज और हाँ, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वेदिका एक्चुअली ऐसे गेटअप में आई है। इट्स अ वेरी ये तो गोइंग कास्ट तो यूजली ऐसे हर फंक्शन में तैयार होते हैं, बट वेदिका पहली बार ऐसे ही तैयार होकर आई है तो इसके लिए भी काफ़ी स्पेशल मोमेंट है। अब ये कार्तिक के प्यार का असर है या मौसम का जादू है मितवा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, गोयनका हाउस का नजारा जल्द ही बदलने वाला है क्योंकि नायरा ने कार्तिक और घर वालों से मिलने का फैसला कर लिया है, तो जाहिर है शो में जल्द ही धमाकेदार ट्विस्ट आएगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट E24।